सो हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू फ्यू ऑफ पेट्स। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बेबी बर्ड के रेस्क्यू के बारे में। तो गाइज एक थंडर स्टॉर्म के बाद हमें कॉल आती है अपने नेबर से कि वहाँ पे एक बेबी बर्ड गिर चुका है। तो जब मैं जाके देखता हूँ तो वहाँ पे तीन बर्ड्स होते हैं, उनमें से दो जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो पहले ही मर चुके होते हैं एंड जो एक सर्वाइवर बचता है और वो भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 3 to 4 days। उसकी अभी आईज़ भी खुली नहीं होती और फैदर्स भी उसके बॉडी पे नहीं होते। तो गाइस उसके बाद मैं उसे रेस्क्यू कर लेता हूँ। जो अनफॉर्चुनेटली जो दो बेबी बर्ड्स थे वो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी नेस्ट से गिरते ही, बट एक उनमें से सर्वाइव कर गया था। तो गाइस जब मैं इसे घर लेके आता हूँ तो इसकी ये बहुत छोटा होता है तो मुझे समझ नहीं आता कि इसकी बीक कैसे खुलवाएंगे, इसको फीडिंग कैसे देंगे। तो उसके बाद थोड़े देर बाद इसने अपना माउथ ओपन करना स्टार्ट कर दिया एंड हम इसको बनाना मैंगो एंड सेरोलैक हम इसको फीड करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद फिर ये थोड़े थोड़ा करके बड़ा होने लग गया। तो देन हमने इसकी डाइट में और भी काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी, जैसे लाइव ग्रासहॉपर्स, लाइव अर्थफॉर्म्स ये भी देते थे इसे, और भी इसकी डाइट में जैसे चिकन, एग, बर्ल्ड राइस और काफ़ी सारी नए न्यूट्रिशियस फूड्स हमने इसकी डाइट में ऐड की। तो गाइज अभी हम इसे ट्रेनिंग सेशंस भी दे रहे हैं ताकि अपना फूड खुद हंट कर पाए एंड इसको फ्लाइंग सेशंस भी दे रहे हैं ताकि ये फ्लाई करके जल्दी उड़ जाए और ह्यूमन से इसको दूर करना पड़ेगा ताकि ह्यूमन बॉन्डिंग इसकी ना हो पाए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड फेसबुक।